हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इनाफा अकाउंटिंग एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको ये बात बताते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज से हम लोग SBL जो ACCA का एक स्ट्रेटेजिक लेवल का पेपर है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप, ये प्रोफेशनल लेवल का एग्ज़ाम है जो कि ACCA का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। आज से मैं उसके लेक्चर अपलोड करना शुरू कर रहा हूँ और अनकरीब आपको कम्प्लीट SBL के सारे टॉपिक्स पे लेक्चर्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इनाफा अकाउंटिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको जो भी अगली वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक पहुंच जाए। सो आज सबसे पहला एरिया जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप का है वो है लीडरशिप। ये एक ऐसा एरिया है दोस्तों जिसमें आप F1 में भी, जो ACCA का पहला एग्ज़ाम है अकाउंटेंट एंड बिजनेस, उसमें भी कुछ ना कुछ पढ़ के आए होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको लीडरशिप के बारे में थोड़ा ज़्यादा गहराई में जानने की ज़रूरत है। इसलिए हम लोग अब देखते हैं कि लीडरशिप क्या होती है और लीडर क्या क्या करता है और क्या क्या खसूसियात उसकी होती हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप में क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए ये यहाँ पे हम देखते हैं, फिर एक आइडिया लेते हैं, फिर आगे डिटेल में भी उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि इम्पोर्टेंस, लीडरशिप की इम्पोर्टेंस जो है, सबसे पहले उसको हमें देखना है कि लीडरशिप के बगैर हम काम कर नहीं सकते। उसकी अहमियत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी मुल्क में इतनी ज़्यादा होती है कि उसके बगैर जो है वो हम काम नहीं चला सकते हैं। सो लीडर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फिर उसके बाद इफेक्टिव लीडरशिप क्या होती है, इफेक्टिव लीडर कौन होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद डिफरेंट किस्म की थेरीज हैं लीडरशिप के इफेक्टिव होने में, कुछ ट्रेड थेरीज हैं, कुछ स्टाइल थेरीज हैं, कुछ कॉन्टिजेंसी थेरीज हैं, इन सारों को हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, दूसरा जो हमारा मेजर टॉपिक है वो कल्चर के हवाले से है। कल्चर में एक तो हम बैनस ने कुछ टाइप्स दी हैं लीडर्स की, दो टाइप्स हैं, वो देखेंगे कौन कौन सी हैं। इसके अलावा एक एंट्रप्रेन्योर और इंट्रप्रेन्योर, ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एंट्रप्रेन्योरशिप और इंट्रप्रेन्योरशिप। इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे कि दोनों क्या चीज़ें हैं, दोनों में फ़र्क क्या है। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द नेचर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, कि लीडरशिप क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लीडरशिप की डेफिनेशन पढ़ते हैं। मशहूर ज़माना डेफिनेशन है बचानन एंड हेजिंस्की, इन्होंने ये डेफिनेशन दी है, दे डिफाइन अ लीडर एज समवन हु एक्सरसाइजेस इन्फ्लुएंस ओवर अदर पीपल। सो लीडर वो है जो कि बाकी लोगों पर अपना असर छोड़ जाए। कोई भी इंसान जिसमें किसी के ऊपर असर अंदाज होने की कोई अहलियत है, काबिलियत है, समझें उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी है। उसके बाद लीडरशिप को तीन पॉइंट ऑफ व्यू से, तीन स्टैंड पॉइंट से आप देख सकते हैं। नंबर वन, लीडरशिप क्या है, ये एक पोजीशन का नाम है, एक एट्रीब्यूट का नाम है, एक खासे का नाम है। किसी भी बंदे के साथ जुड़े हुए नाम पोजीशन जो है उससे भी कोई पता चलता है कि फलां बंदा लीडर है। दूसरा दोस्तों, लीडरशिप एक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक खसूसियत का नाम है। बाज़ औक़ात कुछ बंदों की पोजीशन लीडर्स वाली नहीं होती, लेकिन उनमें खसूसियात होती हैं कि वो लीडर होते हैं। और इसी तरह लीडर जो है, इट्स अ कैटेगरी ऑफ बिहेवियर। लीडरशिप जो है ये बिहेवियर्स की एक कैटेगरी है। कुछ लोग बिहेव इस तरह करते हैं कि वो, उनको हम कहते हैं कि यार ये लीडर है, उनको हम बिहेवियर वाइज लीडर मानते हैं। लीडरशिप जो है, ओवरऑल अगर मैं सम अप करूं तो लीडरशिप क्या है, इट इज़ अबाउट मूविंग पीपल एंड थिंग्स। मूविंग पीपल से मुराद ये नहीं है कि एक जगह से लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करना। मूविंग पर्सनैलिटी, जो लोग स्टक हो जाते हैं अपनी पर्सनैलिटी में, जिनको आगे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता, जिनको कोई हल नज़र नहीं आ रहा होता अपने मसाइल का, वो लोग सोचना शुरू कर देते हैं, उनको अपने मसाइल का हल नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ये इसको, इस तरह के लोगों को हम कहते हैं कि ये लीडर है। देन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, अपनी नहीं बल्कि अपने साथ साथ जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस को भी बेहतर करे, वो बंदा लीडर होता है। एंड फाइनली चेंजिंग द वे थिंग्स आर डन, यानी मतलब चीज़ें चेंज कर दे। जो आपको पता है, जो भी लीडर आता है वो तब्दीली का नारा लेके आता है। वो ये कहता है कि अब तक जो आपके साथ हो रहा है मैं उसको चेंज करके आपको एक नई दुनिया दूंगा, नए ख्वाब दिखाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो सही मानों में चीज़ों को चेंज कर देता है तो वो वाकई लीडर होता है, अदरवाइज दावे तो दुनिया में बहुत लोग करते हैं। देन कम्युनिकेट द वाई, हाउ एंड व्हेन, यानी ये असल चीज़ जो है, लीडर का काम क्या होता है, लोगों में शऊर पैदा करना, किस चीज़ का, कि यार क्यों, कैसे और कब,
ये चीजें पूछो, वो लोगों को ये समझाता है कि भाई आपने जो काम करना है वो कैसे करना है, क्यों करना है और कब करना है। कैसे करने से लोगों को काम करने का प्रोसीजर तरीका पता चलेगा, वो उनको गाइड करेगा। कब करना है उससे उनको टाइमिंग्स, बेस्ट टाइमिंग पता चलेगी कि किस काम की टाइमिंग क्या है, और क्यों करना है इसके लिए उनको उनके पीछे रीजन लॉजिक्स पता चलेगी, ताकि वो लोग कन्विंस हो जाएं कि ये काम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। फाइनली फैसिलिटेटिंग द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल, साथ ही साथ लीडर जो है उसका काम इंडिविजुअल को तो फैसिलिटेट करना ही होता है, साथ साथ पूरा ग्रुप जो है उनको फैसिलिटेट करना होता है, ताकि वो पूरा ग्रुप अपने मकासद अचीव कर ले। देखिए एक बात होती है, एक बंदा है जिसको आपकी ज़रूरत है, एक तरीका तो यह है कि आप उसकी ज़रूरत पूरी कर दें, दूसरा तरीका क्या है कि आप उसको वो रास्ता दिखाएं जिससे वो अपनी ज़रूरत खुद पूरी कर सकता है। ये लीडरशिप है, किसी की हेल्प करना लीडरशिप नहीं है, बल्कि कि किसी की इस तरह से हेल्प करना कि वो अपनी हेल्प करने के खुद काबिल हो जाए, ये लीडरशिप है। एग्जाम में आपको जब कोई क्वेश्चन आएगा और उसमें कोई बंदा, कोई मैनेजमेंट पोजीशन में एक बंदा बैठा है, सीईओ है या कोई चेयरमैन है बोर्ड का, उसको अगर आपको इवेल्यूएट करना है, तो दोस्तों ये चैप्टर सारा जहन में लाइए और देखिए क्या उस बंदे में लीडरशिप क्वालिटीज हैं। कहीं पे अगर कोई क्वालिटीज लैग कर रही हैं, कोई मिसिंग है, तो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि लीडर में ये क्वालिटीज होती हैं जो कि इस बंदे में नहीं है। तो आपको उस बंदे की क्वालिटीज को इवेल्यूएट करके फिर आगे एग्जाम में उसको लिखना पड़ेगा। अब व्हाट मेक्स एन इफेक्टिव लीडर, इफेक्टिव लीडर कैसे बनता है? इफेक्टिव लीडर बनने के लिए जो डिफरेंट किस्म की थ्योरीज हैं, जो कहते हैं जी कौन कौन सा लीडर इफेक्टिव हो सकता है, सबसे पहले ट्रेट होता है किसी भी एक इंसान की पर्सनैलिटी के साथ जुड़ा हुआ उसका खासा, ठीक है, ये चेंज नहीं होता, ये ट्रेट होते हैं हर बंदे के इंडिविजुअली, बाय बर्थ, पैदाइशी तौर पर हर बंदा अपने ट्रेट साथ लेके आता है। कुछ फिजिकल ट्रेट्स होते हैं सच एज ड्राइव, एक बंदे के अंदर बड़ी ड्राइव है, वो चीज़ों को बड़ी एनर्जेटिक तरीके से मूव ऑन कराता है, उसमें एनर्जी, उसकी अपीयरेंस, उसकी हाइट, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने में ही लगता है कि यार ये बंदा जो है इसकी कैसी ज़बरदस्त हाइट है, कैसी ज़बरदस्त अपीयरेंस है, इसको तो कहीं किसी मुल्क का सरबराह होना चाहिए। इसका मतलब वो बंदा देखने में ही फिजिकली लीडर फील होता है। इसके बाद अगला जो ट्रेट है वो है पर्सनैलिटी ट्रेट्स। पर्सनैलिटी एक इनर चीज होती है जो कि लोगों के काम करते हुए या बिहेव करते हुए वो चीज नजर आती है। वो क्या है? अडैप्टेबिलिटी। अडैप्टेबिलिटी कहते हैं माहौल को अपने अंदर या अपने आप को माहौल के अंदर ढाल लेना। एंथुजियाज्म, एक जज्बा, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये जो चीजें जो हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पूरे तमादी, अडैप्टेबिलिटी, ये वो ट्रेट्स हैं जिनसे पता चलता है कि कोई बंदा पर्सनैलिटी वाइज लीडर है। फिर कुछ सोशल ट्रेट्स होते हैं, लोगों के साथ कोऑपरेट करना, टैक्टफुल होना, कर्टियस होना, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज, इंतजाम, चीज़ों को इंतजाम अच्छे तरीके से करना, लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना, ये क्वालिटीज़ हैं जिनको कहते हैं सोशल ट्रेट्स। अच्छा लीडर बनने के लिए एक इंसान में ये तीनों किस्म के ट्रेट्स होने चाहिए, तब जाके वो एक अच्छा लीडर बनता है। खाली पर्सनैलिटी अच्छी होने से कोई लीडर नहीं होता, खाली अडैप्टेबिलिटी या अपने आप को माहौल में ढालने से कोई अच्छा लीडर नहीं बनता, या लोगों के साथ खाली कोऑपरेशन से कोई अच्छा लीडर नहीं बनता। इफेक्टिव लीडर होने के लिए ये तीनों किस्म की ट्रेट्स जो हैं, खूबियां, इनका होना जरूरी है। क्वालिटीज ऑफ ग्रेट लीडर्स, आज तक जितने ग्रेट अजीम लीडर्स हो चुके हैं ना, उनमें क्वालिटीज क्या क्या हैं, आपको आप ये क्वालिटीज देखेंगे ना, तो उनमें सब में आपको ये चीजें नजर आएंगी। सबसे पहली अबव एवरेज इंटेलिजेंस, वो लोग आम लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ करते हैं। इनिशिएटिव, किसी भी काम को स्टार्ट करने का उनमें हौसला होता है, दे टेक इनिशिएटिव, घबराते नहीं है वो। मोटिवेशन, वो खुद से इंतहाई मोटिवेटेड होते हैं अपने काम करने के लिए, लोगों को भी, एम्प्लॉयज को भी मोटिवेट करते हैं। सेल्फ अश्योरेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप के उनको यकीन होता है, खुद एतमादी कूट कूट के भरी होती है उनमें। हेलीकॉप्टर फैक्टर, हेलीकॉप्टर फैक्टर कहते हैं कि हेलीकॉप्टर कभी देखा है आपने, जो जमीन से उड़ता है और सीधा आसमानों की तरफ मूव करता है, उसको स्टार्ट होने के लिए रनवे नहीं चाहिए। तो लीडर क्या होता है कि जो जहां है वहीं से राइज करे और लोगों को ऐसा नजर आए कि यह कहां से कहां पहुंच गया है, और अपनी कौम को भी साथ, जो उसके फॉलोअर्स हैं उनको भी साथ एक लेवल से ऊपर ऊपर राइज करे।
फिर अदर एसेंशियल क्वालिटीज में क्या क्या है लीडर की, एंथुजियाज्म जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सोशेबिलिटी लोगों के साथ घुल मिल जाना, लोगों के दरमियान रहना सीखना, इंटेग्रिटी उसकी अजमत उसकी वो उसमें एक ऐसी ऑनेस्टी और वो लेवल होना चाहिए लोग कहें हाँ ये बंदा लीडर है, उसमें करेज हो, हौसला, इमेजिनेशन, इनोवेशन, ख्यालात उसके आगे की सोच हो, डिटर्मिनेशन डिटर्मिंड हो, एनर्जी हो, फेथ हो, ये सारी क्वालिटीज जो हैं इन क्वालिटीज से मिलके एक लीडर बनता है। एग्जाम में आपने ये देखना है कि क्या जिस बंदे की बात हो रही है क्या वो उनमें से कुछ चंद क्वालिटीज भी हैं उसमें, अगर हैं तो ठीक है वरना आप कह सकते हैं कि ये लीडर इफेक्टिव नहीं है। दूसरे दोस्तों, इफेक्टिव लीडर होने के लिए कुछ बिहेवियरल या स्टाइल थ्योरीज हैं। बिहेवियरल थ्योरीज जो हैं या स्टाइल थ्योरीज में एशरेज मैनेजमेंट कॉलेज है, उन्होंने चार किस्म की बिहेवियरल थ्योरीज दी है। सबसे पहली है टेलिंग स्टाइल या ऑटोक्रेटिक। टेल का मतलब होता है एक बंदा कहता है यार आपको बता दिया ना मैंने, बस ऐसे काम करो। सो ना वो अगले की सुनता है, ना वो अगले से मशवरा करता है, वो एक अथॉरिटेरियन स्टाइल होता है, डिक्टेटरशिप जिसको हम कहते हैं, बस कह दिया ऐसे ही होगा। एक ये स्टाइल है एक मैनेजर या लीडर के बिहेव करने का, अच्छा है या नहीं है ये बात हम बाद में करेंगे, लेकिन ये स्टाइल्स हैं। दूसरा है सेलिंग स्टाइल। देखें जब हम किसी को कोई चीज बेचते हैं ना, तो हमने ये काम तो करना है, ठीक है, हम डिसीजन कर चुके हैं कि ये चीज हमने बेचनी है, लेकिन हम अगले बंदे को उसकी खूबियां गिनवाते हैं ताकि वो बंदा कन्विंस होके इस चीज को खरीद ले। इसी तरह ये लीडरशिप स्टाइल ऐसा है कि अगर लीडर ने कोई अपना डिसीजन इंप्लीमेंट करना है अपने फॉलोअर्स पे, डिसीजन तो जो उसने इंप्लीमेंट करना है वो ले चुका होता है, उससे उसने नहीं बदलना, लेकिन वो क्या करेगा उनको कन्विंस करेगा कि ये डिसीजन आप लोगों के लिए क्यों बेहतर है। इसलिए इस तरह के स्टाइल को हम कहते हैं सेलिंग स्टाइल। उसके बाद है कंसर्ट्स पार्टिसिपेटिव। कंसर्ट्स का मतलब ये है कि वो डिसीजन फाइनल खुद नहीं करता, लेकिन एक डिसीजन लेके उसके बाद बाकी लोगों से मशवरा करता है, मशवरे के बाद फाइनल करता है। इसका मतलब यह है कि अपने फॉलोअर्स को भी साथ शामिल करके वो डिसीजन लेता है, इसको कंसल्ट स्टाइल कहते हैं। और चौथा जो स्टाइल है वो है जॉइंस, मतलब उसने कभी कोई डिसीजन खुद से नहीं लिया होता, वो एक गैदरिंग बुलाता है अपने फॉलोअर्स की, उनके साथ मिलके हर तरफ से मशवरे आते हैं, सजेशंस आती हैं, सबको साथ मिला के जो एक बेहतरीन फैसला होता है फिर वो कर लिया जाता है। इस तरह के स्टाइल को हम कहते हैं डेमोक्रेटिक। तो देखें एक एक्सट्रीम ऑटोक्रेटिक की है कि खुद से डिसीजन लिया, एक एक्सट्रीम डेमोक्रेटिक की है कि वो सबसे पूछ के डिसीजन लिया। जो असल डिसीजन का वो जो लीडरशिप का स्टाइल होता है, याद रखिएगा कोई एक नहीं होता, वो इन सारों का मिक्सचर होता है। एट ए टाइम आपको टेलिंग स्टाइल ऑटोक्रेटिक स्टाइल अडॉप्ट करना पड़ता है, कभी आपको ज्वाइन या डेमोक्रेटिक स्टाइल अडॉप्ट करना पड़ता है, कभी आपको थोड़ा नरम होके पार्टिसिपेशन भी लोगों की करनी पड़ती है, और कभी फिर उनको कन्विंस भी करना पड़ता है और उनको परसू भी करना पड़ता है। तो ये चार किस्म के बिहेवियरल थ्योरीज हैं जो कि एशरेज मैनेजमेंट कॉलेज ने हमें बताई हैं। अलबत्ता इसमें कुछ इसकी क्रिटिसिज्म भी है या इसकी कुछ सपोर्ट भी मिलती है हमें। वो कहता है कि जब मैनेजर एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल के में चेंज करे ना, यानी पहले एक मैनेजर जो है वो टेलिंग स्टाइल हो, डिक्टेटोरियल स्टाइल हो उसका, उससे अचानक से डेमोक्रेसी में आ जाए तब भी लोग बिगड़ जाते हैं, लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोग इस चीज़ के आदि हो चुके होते हैं कि उन्हें एक ऑर्डर दिया जाए और वो उस पर अमल करें और वो उसमें अपने आप को कम्फर्टेबल फील करते हैं। या अगर कोई डेमोक्रेटिक स्टाइल है अचानक से वहाँ पर डिक्टेटरशिप आ जाए तो लोगों को वो भी अच्छी नहीं लगती। सो लोग अगर लीडर अपना स्टाइल चेंज करे तो लोग उसको नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं करते या उसको रेजिस्ट करते हैं। ये एक नेचुरल सा फिनोमेना है कि चेंज को हमेशा रेजिस्ट किया जाता है। इसके बाद लेविन एक राइटर है, वो कहता है कि जो डेमोक्रेटिक स्टाइल है ना ये ज्यादा प्रोडक्टिव और ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें लोग शामिल होते हैं तो लोग मोटिवेटेड होते हैं, कोई भी डिसीजन जब लिया जाता है वो उसको ओन करते हैं, वो फील करते हैं कि ये डिसीजन हमने खुद लिया है। ऑटोक्रेटिक स्टाइल अलबत्ता ऑन द अदर हैंड वो कहता है कि इट्स अ लीस्ट प्रोडक्टिव स्टाइल ऑफ ऑल एंड कैरीड विद इट्स लॉट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कि इस तरह के स्टाइल में लोग बड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, बोल तो सकते नहीं है अथॉरिटी टेरिंग के आगे, लेकिन दे आर नॉट मोटिवेटेड तो वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, इसलिए वो कोई इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव स्टाइल नहीं है। इसके बाद इफेक्टिव लीडर बनने के लिए अगला एक जो थ्योरी है वो है कॉन्टिनजेंसी या कॉन्टेक्चुअल थ्योरी। कॉन्टिनजेंसी थ्योरी मतलब कि यार कोई एक स्टाइल ठीक नहीं है, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट रेट डिफरेंट स्टाइल चाहिए होते हैं,
मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं जिन पर डिपेंड करता है, या कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमें देखना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, उस तरह का लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट कर लो। स्टाइल थ्योरीज क्या करती हैं, दे इग्नोर द इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच द लीडर इज ऑपरेटिंग। हम तो कह देते हैं अच्छा यार ये डेमोक्रेटिक स्टाइल रखो या ऑटोक्रेटिक स्टाइल रखो अपना, या सेलिंग स्टाइल या टेलिंग स्टाइल कोई रख लो, लेकिन इसमें हम ये तो देखते ही नहीं है कि वो जो लोग हैं, वो जो कल्चर है, वो जो एरिया है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वहाँ पे क्या हमारा जो स्टाइल है ये वो इन्फ्लुएंस करेगा भी या नहीं करेगा। और कंटिंजेंसी थ्योरी ये क्या कहती है कि कोई बेस्ट स्टाइल नहीं है, दैट इज इक्वली इफेक्टिव फॉर ऑल सर्कमस्टांसिस, के हर तरह के हालात में हम ये कहें कि जी ये स्टाइल बेस्ट है, ऐसा कोई स्टाइल नहीं है। एडहेयर्स ने एक एक्शन सेंटर्ड लीडरशिप मॉडल दिया है, उसने क्या कहा है, कहता है कि आप ग्रुप की नीड्स पूरी करें, यानी लीडर जो है उसका काम होता है ग्रुप की नीड्स पूरी करना। अब ग्रुप क्या है, नंबर ऑफ पीपल्स वर्किंग टुगेदर, उनकी क्या नीड्स हो सकती हैं, उनको आपस में बात करनी है, उनको आपस में एक दूसरे को मामलात समझाने हैं, सीखने हैं, कम्युनिकेशन इजी हो, टीम बिल्डिंग, आपस में टीम की तरह मिलकर काम करें, मोटिवेटेड हों, एक डिसिप्लिन के तहत काम करें, ये ग्रुप की नीड्स हैं। लीडर का काम है ग्रुप में ये नीड्स उनकी जो है उनको प्रोवाइड करें और उनकी नीड्स पूरी करें। साथ ही साथ ग्रुप में लोग जो काम कर रहे होते हैं वो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, तो उनकी भी कोई नीड्स होती हैं। उनकी क्या नीड्स हैं, दे नीड कोचिंग, दे नीड काउंसलिंग, दे नीड मोटिवेटिंग, दे नीड डेवलपमेंट। तो उनकी काउंसलिंग का अरेंजमेंट करना, उनको कोच करना, कहीं पे वो काम नहीं कर पा रहे उनका सपोर्ट करना, उनको मोटिवेट करना, उनको एनकरेज करना कि गलतियां करें क्योंकि गलतियों से वो लोग सीखेंगे, और फिर उनकी डेवलपमेंट में उनकी एजुकेशनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक लीडर का खासा है कि वो ये उनकी नीड्स पूरी करता है। और तीसरी किस्म की जो नीड्स एडेयर ने बताई हैं वो है टास्क नीड्स, कि खाली लोगों को काम नहीं करना, हमने कोई क्लब नहीं बनाना, कंट्री क्लब स्टाइल नहीं करना, बल्कि हमने टास्क की नीड्स का भी ख्याल रखना है। टास्क की क्या नीड्स हैं, देयर मस्ट बी एन ऑब्जेक्टिव, और जितने टास्क हैं उनको प्लान किया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रॉपरली एलोकेट किया जाए, और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हों कुछ जिनके अगेंस्ट फिर उस टास्क की परफॉर्मेंस भी मेजर की जाए, लोगों की भी और टास्क की भी। सो ये टास्क की नीड्स भी पूरी करें। तो एडहेयर अक्सर ये कहता है आप इंडिविजुअल नीड्स पूरी कर दें, तो इंडिविजुअल इज अ ग्रुप, इज अ ग्रुप क्या है, वो इंडिविजुअल्स को मिला के बनता है ना, तो आप इंडिविजुअल नीड्स पूरी कर दें तो ग्रुप नीड्स पूरी हो जाएंगी, ग्रुप नीड्स पूरी हो जाएंगी तो वो टास्क नीड ऑटोमेटिकली पूरी कर देंगे। ये एक एडहेयर का एक्शन सेंटर्ड लीडरशिप मॉडल है। इसके अलावा एक सिचुएशनल अप्रोच है। ये अप्रोच क्या कहती है कि यार लीडर जो है वो किसी एक खास सिचुएशन की पैदावार होता है, यानी एक माहौल बनता है जहाँ पे एक गैप आता है, वहां पे फिर कोई एक बंदा जो है उसमें ये क्वालिटीज पैदा होती हैं और वो लीडर बन जाता है। तो ये किसी एक चीज का नाम नहीं है, ये ट्रेट और कॉन्टिंजेंसी इन दोनों का मिक्सचर है कि एक कुछ बंदों में ट्रेट होते हैं और फिर कुछ कॉन्टेक्स्ट हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि जिसमें वो लीडरशिप के ट्रेट हों वो फिर उभर के सामने आ जाता है, और लीडर जो है वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन की पैदावार होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, अच्छा दोस्तों मैनेजर और लीडर इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, ये फर्क हमें समझने की जरूरत है। लीडर जो है वो क्या है, मैनेजर हो सकता है, बट मैनेजर जरूरी नहीं है कि लीडर हो, यानी ये एक लीडर चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक मैनेजर हो, डेजिग्नेशन वाइज प्रोडक्शन मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, वो अच्छा लीडर भी हो सकता है, लोग उसको फॉलो ना करें। याद रखिएगा एक सादी सी अल्फाज, आप सादे से लाइन में आपको बताऊं ना मैनेजर और लीडर में डिफरेंस, मैनेजर के सबॉर्डिनेट्स होते हैं और लीडर के फॉलोअर्स होते हैं। याद रखिएगा जो लोग जिसको फॉलो करते हैं ना अंधाधुंध उस पर एतमाद करते हैं, और जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो सिर्फ एक सर्टन डिसिप्लिन में रह के बस अपने मैनेजर की बात मानते हैं, इसके अलावा वो उससे कोई मुतासर नहीं होते, इन्फ्लुएंस्ड नहीं होते हैं। तो लीडर हमने शुरू में पढ़ा था, लीडर वो होता है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करे। तो अगर हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन में जाएं दोस्तों, मैनेजमेंट क्या है, ये एक प्रोसेस है सेटिंग अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट की क्या फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो पता है मैं 2F2 में हम पढ़ के हैं, प्लानिंग, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, ये रोल्स हैं मैनेजमेंट के, इनके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव सेट करना और उनको अचीव करना, ये मैनेजमेंट है। लेकिन लीडरशिप ऑन द अदर हैंड क्या है, इट एक्चुअली डील्स विद चेंज, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, इन्फ्लुएंस, ये अल्फाज यूज होते हैं लीडर के लिए। तो लीडर ये काम करता है जबकि मैनेजर
प्लान कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग करता है। अब लीडरशिप और कल्चर, बैनस ने कहा कि दो टाइप्स के लीडर्स होते हैं, एक हैं ट्रांजैक्शनल लीडर्स जो कि किसी एक ट्रांजैक्शन की पैदावार होते हैं, एक अचानक से खास ट्रांजैक्शन हुई और उसके नतीजे में एक लीडर पैदा हो गया, और एक होते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, ऐसे लोग जिन्होंने वक्त के साथ हालात के साथ जिद्दोजहद करके अपने आप को लीडर में ट्रांसफॉर्म किया होता है। ट्रांजैक्शनल लीडर में अगर हम पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की मिसाल लें तो इसमें आपको बिलावल भुट्टो नजर आ जाएगा एक ट्रांजैक्शनल लीडर के तौर पे, ठीक है। क्यों? बेनजीर का बेटा है, भुट्टो का वो नवासा है, तो एक ऐसी फैमिली से उसका ताल्लुक पैदा हो गया है कि वो पैदाइशी तौर पर लीडर था। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम इमरान खान को देखें तो वो किसी लीडर का बेटा नहीं है, उसने क्या किया, एक स्ट्रगल की, जिद्दोजहद की, उसके बाद वो लीडर बना। ये अलग बात कि इन दोनों में से कोई लीडर है या नहीं है, इस बहस में पड़े बगैर हमें सिर्फ ये समझना है कि ट्रांजैक्शनल लीडर क्या होता है, किसी एक ट्रांजैक्शन के नतीजे में लीडर बनता है। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ट्रांजैक्शनल लीडर्स होते हैं लेकिन बाद में वो अपने आप को प्रूव करते हैं, जस्ट लाइक बेनजीर, भुट्टो की बेटी थी बेनजीर, इसलिए शी वाज ट्रांजैक्शनल लीडर, वो भुट्टो की बेटी होने की वजह से पैदाइशी लीडर थी, लेकिन उसने बाद में अपने आप को प्रूव भी किया कि उसमें लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं, दुनिया की जानी मानी लीडर थी वो। इसी तरह ये ट्रांजैक्शनल लीडर की मिसाल है कि ट्रांजैक्शनल लीडर बाद में अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है, तो वो बाद में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर बन जाएगा। सो ट्रांजैक्शनल लीडर क्या है? वो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर रह के काम करता है, मतलब आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं सोचता, जबकि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो है वो एक्चुअली कल्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। यानी ट्रांजैक्शनल लीडर क्या कहता है, यार ये कल्चर है इसी तरह काम करना है, या जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है वो कल्चर को ही चेंज करने की कोशिश करता है। इसी तरह जो ट्रांजैक्शनल लीडर है वो पैसिव होता है, कोई काम हो जाता है तो फिर वो इंतजार करता है, रिएक्टिव होता है, जबकि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर पहले से चीज़ों का आइडिया लगा के चीज़ें पहले से बेहतर करता है एडवांस में ही। ट्रांजैक्शनल लीडर जो है वो अपने फॉलोअर्स के साथ जो रिलेशनशिप है उनको ट्रेड समझता है, वो कहता है कि अच्छा मैंने इनको जो काम दे रहा हूँ उसके बदले ये लोग जो है काम करेंगे और उसके बदले मैं इनको पैसे दूंगा, तो ये एक ट्रेड ऑफ है दोनों के दरमियान, तो वो लोगों को इस तरह से लेता है। जबकि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर क्या कहता है, कि नहीं मेरा काम है लोगों को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, ताकि वो जो ऑब्जेक्टिव है अपने वो अचीव कर सकें। इसके बाद वो कहता है कि जी फॉलोअर्स जो हैं उनको रिवॉर्ड्स दो, जो काम उन्होंने किया, सर्विस दी, लॉयल्टी है या जो कंप्लायंस कर रहे हैं उसके बदले उन्हें रिवॉर्ड दो। जबकि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर क्या कहता है, उनको एम्पावर करो, रिवॉर्ड ना दो, पैसे मत दो, एम्पावर करो, उनको एनकरेज करो, ताकि वो अपने काम की ओनरशिप लें, अपने आप को ओनर समझें। ये डिफरेंस है जी ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर में। लास्ट में जी एंटरप्रेन्योरशिप और इंट्रप्रेन्योरशिप, इन दोनों में डिफरेंस। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एक ऐसा बंदा जो बिजनेस स्टार्ट करता है और उसका ओनर भी होता है, जबकि इंट्रप्रेन्योर असल में एम्प्लॉई को कहते हैं और नॉर्मली वो ओनर नहीं होता बिजनेस का। इंट्रप्रेन्योरशिप की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो वो क्या है, कब चूंकि एम्प्लॉई होता है लिहाजा एम्प्लॉयज में आप एक ऐसा कल्चर सेटअप करें कि लोग इंट्रप्रेन्योर बने, जाहिर है एंटरप्रेन्योर तो नहीं बन सकते, इंट्रप्रेन्योर बने वो भी चीजों को उस तरह से देखें जैसे कि एक मालिक देखता है, उनको ओनरशिप दें। उसके लिए मैनेजर को ओपन डोर पॉलिसीज रखनी पड़ेगी, यानी जो चाहे मैनेजर्स के पास आ सकता है, जो चाहे मैनेजर्स के पास आ सकता है, मैनेजर से अपने मसाइल बयान कर सकता है, मैनेजर्स का काम है वो लीडर बने। देन रिमूविंग एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स, मतलब बहुत ज्यादा जो एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स हैं कि एक बंदे की प्रॉब्लम्स हैं वो टॉप लेवल तक पहुंच ही नहीं पा रहा, वो बैरियर्स रिमूव करो। Then develop a culture where innovation is valued. Innovation कहते हैं नई सोच, जिद्दत पसंदी, उसकी valuation करें तो तब आप entrepreneur हैं। और budget for resources to develop new ideas, यानी आप जब budget बनाएं तो उसमें आप नए ideas के लिए भी resources रखें कि अच्छा कोई बंदा नया सोचेगा ना उसके लिए ये price होगा, ये इनाम होगा, और employees को ownership दें तो तब employees में ये entrepreneurship की characteristics पैदा होती हैं। On the other hand, entrepreneurship क्या होता है, ये एक ऐसा बंदा है जो ओनर है, रिस्क टेकर है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट करता है, रिस्क लेता है, और जाहिर है जो रिस्क लेता है रिवार्ड्स भी उसी का होता है। फाइनली विदाउट एंटरप्रेन्योर्स, इसके बगैर इंटरप्रेन्योर हो गए नहीं, जाहिर सी बात है कोई बंदा जब तक बिजनेस नहीं शुरू करेगा तो
किस तरह से पॉसिबल है कि कोई इम्प्लॉइज भी हों। तो दोस्तों एंटरप्रेन्योर में आखिरी पॉइंट क्या है, ही हैज़ द फाइनल से इन व्हाट हैपेंस विद इन अ बिजनेस, यानी फाइनल से तो ज़ाहिर है ओनर की ही होती है कि बिजनेस में क्या होगा क्या नहीं होगा। ये चैप्टर था लीडरशिप का दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने इसको इंजॉय किया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे होम स्टे सेफ, इट्स अ कोविड टाइम।